अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए में उमरा। ये आपको देखने में तो अजीबो गरीब लगेगा, लेकिन ये हकीकत बात है। मेरा एक दोस्त है, मस्जिद के इमाम साहब है, उन्होंने 10,000 रुपए में उमरा किया है। और मैंने सोचा कि मैं ये तरीकेकार आपको भी बता दूं, क्योंकि जब तक आप ये तरीका नहीं जानेंगे आप उमरा अदा नहीं कर सकते। लोगों का ज़्यादातर यही बहाना होता है कि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ। तो जिस तरह इमाम मस्जिद ने 10,000 रुपए में उमरा किया है, उसी तरह आप भी 10,000 रुपए में उमरा कर सकते हैं। देखिए, इमाम मस्जिद था वो, मुझे एक दफ़ा मेरे पास बैठा और मुझे कहता, यार मुझे ना कोई 5-7 साल हो गए हैं, मैंने उमरे का इरादा किया है लेकिन मैं अभी तक उमरा नहीं कर सका। मैंने कहा, इमाम साहब ये कैसे हो सकता है कि लोग साल 6 महीने के अंदर नियत करके, या कई दफ़ा तो 1-1 महीने में नियत करके उमरा करने चले जाते हैं। और मैंने बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी देखे हैं जो हर साल अल्लाह और अल्लाह के रसूल के घर जाते हैं। तो ये कैसे हो सकता है? या तो आपने नियत सही नहीं की, तो आपका अभी तक उम्र ही नहीं हुआ, 5-7 साल 10 साल हो गए हैं। तो इमाम साहब ने कहा, जी बिल्कुल ऐसी बात है कि मेरा अभी तक उम्र नहीं हुआ। मैंने सबसे पहले इमाम साहब से ये पूछा, इमाम साहब मुझे ये बताइए, आपने पासपोर्ट बनवाया है? इमाम साहब ने कहा, नहीं जी मैंने तो पासपोर्ट बनवाया ही नहीं। मैंने कहा, बस फिर आपने नियत ही सही नहीं की। अगर आपने पासपोर्ट बनवाया होता तो आपका अगला कदम उठता ना, तो फिर आप उमरा पर जाते। अगर आपने पासपोर्ट ही नहीं बनवाया, खाली नियत लेके बैठे। देखिए, कोई भी जब हम काम करते हैं, जैसे धुंध पड़ती है ना सर्दियों में, बहुत ज्यादा धुंध होती है, हम जब एक कदम चलते हैं हमें अपना अगला कदम नजर नहीं आता, अगले कदम का रास्ता, नीचे जमीन नजर नहीं आती। लेकिन जैसे ही हम अगला कदम उठाते हैं, उससे अगला कदम जमीन नजर आ जाती, फिर अगला उठाते हैं उससे अगला नजर आ जाता है। कहने का मकसद ये है कि आप स्टेप लेंगे तो अगला स्टेप आपको मिलेगा ना। अगर कोई भी आप काम करते हैं, जब काम के अंदर घुस जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वहां पे रास्ते बनना शुरू होते हैं, आपको दिखना शुरू होता है। तो मैंने इमाम साहब को कहा, आप अल्लाह का वास्ता है, सिर्फ अपनी जेब से 10,000 रुपए लगा के पासपोर्ट बनवा लें। जब आपका पासपोर्ट बन जाएगा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक लगेज बैग ले लेना है, और जब आपके पास कोई 2,000 हुआ, एक अहराम खरीद के रख लिया, फिर कोई 500 रुपये हुआ, बेल्ट खरीद के रख ली, फिर कोई 500 रुपये 1,000 हुआ, फिर कोई और उम्रे का सामान खरीद के रख लिया। इस तरह थोड़ा थोड़ा स्टेप लेते जाएं, आप सामान लें, सामान रखें, बैग अपना बांधें। इसके बाद आप अपनी फैमिली को भी बताना शुरू कर दें कि मैंने उमरा पर जाना है, मैंने नीयत पुख्ता कर ली है, मैंने पासपोर्ट बनवा लिया है। इससे क्या होता है कि माशाल्लाह से हमारे इंडिया और पाकिस्तान में हमारी जो फैमिलीज हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करती हैं। जब लोगों को पता चलता है कि फलां बंदे ने उमरा पर जाना है, या हम आखिरी दिनों में जब वीज़ा लग जाता है, अपनी फैमिलीज को बुलाते हैं, एक चावलों की देग भी उतारते हैं, तो यकीन कीजिएगा कि हर बंदा 1,000 2,000, और जो अच्छे भले लोग हैं, अमीर हैं हमारी फैमिली से, 5-5 10-10 हज़ार भी दे देते हैं। और यकीन कीजिए, 60-70 हज़ार लाख लाख रुपए इकट्ठा हो जाता है, जो हम उम्रे पे अखराजात हमने करने हैं। तो इस तरीके कार के तहत जब आप स्टेप लेंगे, सिर्फ पहला स्टेप लें, 10,000 रुपए में पासपोर्ट बनवा लें, बल्कि मेरे ख्याल से तो 6-7 हज़ार रुपए में नॉर्मल पासपोर्ट बन जाता है। आप फास्ट ट्रैक या अर्जेंट पासपोर्ट ना बनवाएं, नॉर्मल पासपोर्ट बनवा लें 6-7 हज़ार रुपए में। उसके बाद आपने रोजाना पासपोर्ट भी देखना है, अपनी फैमिलीज को बताना है, और थोड़ा थोड़ा हंसते तो ठीक उम्रे के लिए सामान इकट्ठा करते रहना है। आप अपनी फैमिली को रोज बताएंगे, इससे आपका इरादा मजीद पुख्ता होगा, आपके दिल में आएगा, यार मैंने फलां को भी बता दिया, फलां को भी बता दिया, अब ना ना गया तो अब फिर मेरी इंसल्ट है, ये अच्छी बात नहीं। तो इस तरह आप कोशिश करेंगे हर तरह से सेविंग करने की, और जब मेरे ख्याल से आपकी आधी सेविंग हो जाएगी, तो फिर ऐसा अल्लाह पाक सबब बनाता है, कोई ट्रैवल एजेंसी वाले अच्छे जो लोग होते हैं वो आपसे तामन करते हैं, आपको पैकेज सस्ता दे देते हैं। कुछ फैमिलीज वाले कहते हैं, अगर आपके पास 50,000 या लाख भी कम हो रहा है, हमसे ले लें, आके दे देना, क्योंकि वैसे तो कोई 2-4 हज़ार रुपये भी उधार नहीं देता, लेकिन जब लोग सुनते हैं कि फलां बंदे ने उमरा पर जाना है, इतने पैसे कम हैं, तो वो फिर दे देते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी अजर सवाब देगा, इसने उमरे पर जाना है, कोई मसला नहीं, वापिस आके थोड़े थोड़े करके दे देगा। तो यकीन करें, जब मैंने ये सारा एडवाइस जो थी वो इमाम साहब को दी, तो इमाम साहब के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा कि यार आपकी बात ठीक है कि मैं नियत करता रहा हूँ, लेकिन मेरी नियत ही पुख्ता नहीं थी, अगर पुख्ता होती तो मैं कम अज कम पासपोर्ट तो बनवा लेता ना। उसके बाद तकरीबन 4-5 माह के बाद मुझे इमाम साहब मिले हैं, बड़े खुश हुए। मैंने कहा, किधर? कहते, मैं तो उमरा कर भी आया हूँ और मैंने आपके स्टेप्स को फॉलो किया है। कहते कि मैंने जब आपकी बात सुनी, मुझे हंसी भी आई, मजाक भी लगा, और मैंने लाइटली भी ली।
लेकिन मैंने जब आपके स्टेप को फॉलो किया तो वाकई ही ये बहुत कारामद स्टेप थे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्रा कर आया हूँ। और कहते हैं कि मैं दूसरों को भी सुजेस्ट करूँगा कि आप भी 10,000 रुपये में उम्रा कीजिए, 10,000 रुपये में पासपोर्ट बनवाइए, अपना इरादा पुख्ता कीजिए और छोटे छोटे स्टेप लेते हुए अल्लाह और अल्लाह ताला के रसूल के घर जाइए। दुआ है अल्लाह ताला आपको भी बार बार उम्रा की सआदत नसीब फरमाए। अलीर साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें ताकि तमाम तरह अपडेट्स आपको मिलती रहें। और फ्रेंड्स, हमारा 21 अगस्त को ग्रुप उम्रा जा रहा है, सस्ता तरीन ग्रुप उम्रा होगा, मुनासिब अखराजात होंगे। आप हमारे ऑफिस फैसलाबाद और लाहौर से ये सामने दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल महदूद टाइम रह गया है और लिमिटेड हमारे पास सीट्स हैं। हम खुद भी इंशाल्लाह हमारे ग्रुप के ओनर आपके साथ जाएंगे। किसी किस्म की आपको परेशानी नहीं होगी, ना एयरलाइन में परेशानी होगी, ना होटल में होगी। वीज़ा भी आपको कोशिश करेंगे सेम डे में या अगले दिन ही आपको वीज़ा प्रोवाइड कर दिया जाए। दुआ है अल्लाह ताला आपका उम्रा कबूल फरमाए, नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक और कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। इजाज़त दे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।